यहाँ पे आपका फ्रिज आएगा। चुनिया टांगने के पैसे नहीं है, ये दो दो पर्दे लगा रहे हैं। स्विमिंग पूल भी है भाई, बालकनी आ गई है 46 फीट वाइड। हाय फ्रेंड्स, मैं अमित भारद्वाज एग्जैक्ट हाउसिंग से 2 महीने बाद आपके लिए लेके आया हूँ बड़ी खोज के एक 3 BHK फ्लैट। बढ़िया खुल्ला डुल्ला फ्लैट है, 1750 स्क्वायर फीट के आसपास एरिया है उसका। अभी आप जब देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ओपननेस तो ठीक है यार फ्लैट में, मैं देख चुका हूँ इसलिए बता पा रहा हूँ, अभी आपको भी दिखाऊँगा। अगर मैं बात करूँ कनेक्टिविटी की, तो भाई जो हमारी एयरपोर्ट रोड है ये उससे तकरीबन 500 मीटर के आसपास अंदर है एयरपोर्ट रोड से। और अगर मैं बात करूँ प्राइस की, तो भाई 6000 पर स्क्वायर फीट के आसपास उसकी प्राइसिंग है। प्रोजेक्ट का नाम है खेतान स्विस गार्डन, और ये आप सामने जो देख रहे हो ना, ये सारा कमर्शियल है। मैं धूप में जाना नहीं चाह रहा भाई, बहुत गर्मी है, 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हुआ पड़ा है, छाँव ज़्यादा सही है। ये सारा कमर्शियल है, इधर से बिल्कुल एयरपोर्ट रोड से लेके पीछे तक सारा कमर्शियल है। ये थोड़ा SBP का यहाँ पे इस तरफ प्रोजेक्ट है, पुराना प्रोजेक्ट है। बात करें अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की, तो भाई जो गिलको का प्रोजेक्ट है एयरपोर्ट रोड के ऊपर, जस्ट उसके बिल्कुल बैक साइड में ही हमारा ये खेतान स्विस गार्डन नाम से प्रोजेक्ट है। अब हम चलते हैं हमारे सैंपल फ्लैट की तरफ। जैसे ही आप फ्लैट पे आते हो, तो भाई एकदम मस्त प्लेन डोर आपको मिलता है। और अगर मैं बात करूँ डोर की मोटाई की, तो तकरीबन 1 इंच से ऊपर की इसकी मोटाई है, और पूरा ऐसे सॉलिड डोर है, अंदर से खोखला नहीं है। तो जैसे ही आप एंटर करते हो अपने फ्लैट में, तो हमारे पास स्टार्टिंग में 2 चीज़ आती हैं। एक तरफ हमारा फर्स्ट बेडरूम लगा लो, गेस्ट बेडरूम लगा लो, जो मर्जी लगा लो, और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाता है, इसको आप पूजा रूम बना लो, स्टोर रूम बना लो, ये आपकी मर्जी है कि आप कुछ भी बना सकते हो। ये आपके पास 4x8 फीट के आसपास 8x4 का स्टोर या पूजा रूम मिल जाता है। और इसी के सामने आपका आ जाता है ये फर्स्ट बेडरूम 3 BHK, जैसे मैंने आपको बताया 3 BHK फ्लैट है, फर्स्ट बेडरूम ये है। और ये हैं इसकी कपबोर्ड्स। अगर आप सामने से देखो, तो मोस्टली लोग अंदर ना सिंपल से उठा के लगा देते हैं, इन्होंने अच्छा लगा रखा है वुडन फिनिश देने के लिए, सनमाई का बढ़िया वुडन उसमें लुक में। ये आपका छोटा मोटा सामान रखने के लिए ड्रॉअर है, आपको एक स्टैंडर्ड हाइट की कपबोर्ड मिल जाती है, जिसमें आप अपना ठीक ठाक सामान रख सकते हो। और ये आपकी आ जाती है मेन वॉल, इन्होंने जैसे बना रखी है टाइल्स लगा के, सीमेंटेड टाइप रखी हुई है। और ये गद्दे बद्दे, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, आप अपने घर में आपको अगर अच्छा लग रहा है तो बनवा सकते हैं, अदरवाइज कोई ख़ास लुक नहीं है इसकी। सामने आपकी आ जाती है वॉल, ये इन्होंने क्या सोच के ऐसी बनाई है पता नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, ताकि LED वगैरह लग जाए इस पर। और यहाँ पे आपको AC का प्रोविज़न मिल जाएगा, और ये 2 लाइट्स आपको नहीं मिलेंगी, बट प्रोविज़न है, आप अपने लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। साथ में आ जाता है यहाँ का अटैच्ड वॉशरूम। और वॉशरूम आप देखो यार, आज पहले क्या होता था कि वॉशरूम ना थोड़े लाइट कलर के बनते थे, आजकल लोगों ने कुछ ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखानी शुरू कर दी है, डार्क के लगाने लग गए। डार्क का मेरे ख्याल से सिर्फ इकलौता यही फ़ायदा है कि गंदा होगा तो आपको दिखेगा नहीं, तो आपकी मेहनत बच जाएगी, लेकिन अच्छा लग रहा है। अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको यहाँ पे कमोड मिल रही है, GEBERIT, ये भाई कौन सा ब्रांड है, कोई अमेरिकन स्टैंडर्ड का ब्रांड लगा हुआ भाई, कुछ अलग अलग ब्रांड्स की ही चीजें लगी हुई हैं यहाँ पे, डू नॉट यूज। अच्छा, अब ये कितना अच्छा ब्रांड है और कितना बुरा है भाई, ये तो आपको रिव्यू देखना पड़ेगा,
यूट्यूब वगैरह पे कि किस टाइप का है। बट अगर हम बाथरूम के साइज़ की बात करें तो एक स्टैंडर्ड बाथरूम साइज़ है जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये वॉश बेसिन जो लगा रखी है ये भी ठीक है, नीचे नहीं जा रही, अंदर दीवार में ही इसका सिंक वगैरह सब कुछ आ जाता है। और ये हमारी आ जाती है, आप देख लो भाई, बालकनी। और ये बालकनी मैं आपको बताता हूँ क्या है, ये बालकनी है भाई पूरी 46 फुट की बालकनी है ये। ओ भाई साहब, 46 फुट की बालकनी है जो आपके फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम और थर्ड बेडरूम, किचन सॉरी ये ड्राइंग एरिया को कनेक्ट करती है। ये आपका ड्राइंग एरिया है, आप यहाँ पे 3, 4, 5 सीटर सोफ़ा रख के और यहाँ पे आपकी एलईडी आ जाएगी, एसी चल रहा है। बहुत धन्यवाद खेतान वालों का, इतनी गर्मी में वरना एसी नहीं चलाते यार कई बार लोग। एसी का प्रोविज़न आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सेम वही 46 फीट वाइड बालकनी या इससे भी कनेक्टेड है, यहाँ से भी आप बाहर का व्यू ले सकते हो। और आजकल ये भी हो गया यार, हैं, दो दो पर्दे लगाने लग गए, कहाँ कहाँ पैसे बचाएगा बंदा भाई। आप ख़रीदने में बचा लोगे तो यहाँ पे लगाना पड़ जाएगा आपको, एक हल्का पर्दा एक भारी पर्दा, दो दो पर्दे लगे हुए हैं। अरे यहाँ पे लोगों के घर में चुनिया टांगने के पैसे नहीं है, ये दो दो पर्दे लगा रहे हैं। ऊपर आपका शैंडेलियर आ गया, डिसेंट सा शैंडेलियर है, आपने तो अपनी मर्जी का ही लगाना है यार। ये एक और एसी की प्रोविज़न आ गई यहाँ पे, और ये आपका आ गया डाइनिंग टेबल, 1, 2, 3, 4 से चार ही बंदे बैठ सकते हैं। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो भाई थोड़ा सा टाइट होकर बैठना पड़ेगा। और ये आपका टेबल वगैरह रखने के बाद आप सिंपल सा देख सकते हो कि ओके स्पेसिंग है कि आप मूव कर सकते हो। और इसी के साथ हमारी आ जाती है किचन। किचन में आपका पहले तो आ गया फ्रिज का एरिया, यहाँ पे आपका फ्रिज आएगा। और ये आपके कैबिनेट्स आ गए, इसमें आपका माइक्रोवेव आएगा, एक में आई थिंक ओवन आएगा, ये आपका नीचे स्टोरिंग के लिए है। आप इससे ऊपर भी बनवा सकते हो अगर आपको लग रहा है कि नहीं जी इन्होंने तो हमें बहुत कम स्टोरेज दी है। स्टोरेज के लिए काफ़ी जगह दे रखी है, अगर आप भी उनमें से हो जो हम जैसे मूवीज़ में देखते हैं कि भाई चावल के डब्बे में पैसे छुपा के रख दिए, तो उसके लिए एक अलग से जगह दे रखी है। यहाँ तक देखो, यहाँ तक तो स्टोरेज है और यहाँ तक आएगा पैसे छुपाने वाला डब्बा, तो आप यहाँ पैसे आराम से पैसे छुपा सकते हो। ये आपको, ये मेरे को सबसे बड़ी खुंदक लगती है कि भाई अगर ऐसे लगा है तो नॉर्मली बंदा क्या सोचेगा कि ये ऐसे खुलेगा, पर नहीं, ये क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं कि हम ऐसे खोलेंगे। और ये मेरे को मोस्टली 80% फ्लैट में ऐसे ही दिख रहा है, या तो मैं पागल हूँ या फिर भाई ये पागल है, और मैं नहीं मानता कि मैं पागल हूँ। मेरे हिसाब से ये ऐसे ही खुलने चाहिए कि बंदा ऐसे खोल ले, सामान ले और ऐसे बंद कर दे। अब ये ऐसे खुल रहा है, ये ऐसे खुल रहा है, पर चलो ये भी कुछ सोच के बना रहे होंगे, पर मैं पागल नहीं हूँ भाई। यहाँ पे आपका चिमनी का प्रोविज़न आ जाता है, यहाँ पे होब लग जाएगा। और यहाँ पे आपको ना शेल्फ मार्बल की नहीं दी हुई, शेल्फ दे रखी है क्वार्ट्ज की। और क्वार्ट्ज का फ़ायदा क्या है, क्वार्ट्ज का फ़ायदा ये है कि जैसे ये तो लाइट कलर है, मैचिंग करने के लिए लगा दिया इन्होंने। अगर आप वाइट कलर का मार्बल लगाते हो ना और उस पर हल्दी वगैरह का दाग लग जाता है तो वो छूटता नहीं है ईजिली, इस पर दाग टिकता नहीं है, मस्त उतना ही मजबूत होता है ये मार्बल जितना ही। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये हमने लैब में बनाया हुआ है, हमने नहीं मतलब जिसने भी बनाया है, तो इसकी प्रॉपर्टीज मार्बल से ज़्यादा अच्छी हैं, रगड़ाई भी नहीं करनी पड़ती। और ये भी क्रिएटिविटी सेम लेवल की हमने यहाँ पे की हुई है कि स्टोरेज के लिए तो बहुत जगह दे रखी है यार। मॉड्यूलर किचन आपको मिल रही है, स्टोरेज जितनी मर्जी भर भर के स्टो, अच्छा ये ऐसे खुलेगा, भर भर के स्टोरेज दे रखी है आपको। ये मूवेबल पार्ट है वेट किचन आपकी, अगर आपकी इच्छा है तो आप इसको मूव करके
अच्छा, मूव करके आप इसको यहाँ पे भी लेके आ सकते हो। और अगर आप कहोगे फिर ये कैसे होएगा, और यहाँ पे आपका लग जाएगा ग्लास का, ये एल्युमिनियम और ग्लास का एक फ्रेम लग के ग्लास लग जाएगा, ताकि लाइट भी आती रहे और आपको धूल मिट्टी का सामना भी ना करना पड़े। तो वो चीज़ आप यहाँ पे ला सकते हो और आपकी किचन और ज़्यादा खुली हो जाएगी। और यहीं पे आपका वॉशिंग मशीन भी लग जाएगी, तो आपका वॉशिंग एरिया भी यहीं पे बन जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम में। सेकंड बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो वॉशरूम है, ये कॉमन वॉशरूम है, जो हमारा सेकंड बेडरूम और ड्राइंग एरिया दोनों के साथ कंबाइन रहेगा। अब इसको दिखाने से पहले मैं आपको पहले बेडरूम दिखा दूं। और ये हमारा सेकंड बेडरूम है, और आप देख लो बेड रखने के बाद ठीक ठाक स्पेस आपको मिल जाती है मूव करने के लिए। मेरे को लग रहा है कि ये थोड़ा कम करके बेड चौड़ा कर देना चाहिए था, तब भी इतनी स्पेस बचती। और यही फिर 46 फुट की बालकनी आपकी, यहाँ से भी आप इसका आनंद ले सकते हो। और ये इसके आ जाते हैं कपबोर्ड्स, इसमें बाहर रखे हुए 3 कंपार्टमेंट वाला कपबोर्ड है इस रूम में, तो ठीक ठाक आपको स्पेस मिल जाती है। और सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपको कपबोर्ड मिलते हैं। ये आपकी मीडिया वॉल आ जाती है, मैंने रिसेंटली देखा ही है कि भाई एलईडी वाली वॉल नहीं बोलता आजकल कोई, मीडिया वॉल, तो भाई मीडिया वॉल आपकी यहाँ पे आ जाती है। हम भी सुधर रहे हैं भाई, हमारी अपनी लैंग्वेज सुधार रहे हैं हम, थोड़ा अच्छा बनने के चक्कर में। और ये आपका आ जाता है कॉमन वॉशरूम, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये आपका वॉशिंग एरिया, सेम अमेरिकन स्टैंडर्ड लगाया हुआ है यहाँ पे भी। आप इसका ज़रूर देखना यार कैसा है इसका रिव्यू, मेरे को भी बताना। गीज़र वगैरह की सबकी प्रोविज़न यहीं पे है। और ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम शुरू होता है यहाँ से, दिस इज़ द एंट्री ऑफ आवर मास्टर बेडरूम, एंड एज वी कम इन वी विल बी वेलकम्ड बाई दिस वॉशरूम। और वॉशरूम वही है, यहाँ पे आपका नहाने का एरिया आ जाता है, कमोड आ गया, वैनिटी आ गई, सेम इसमें भी अमेरिकन स्टैंडर्ड का ही लगा हुआ है। ये लाइटिंग सोर्स है, ये खुल जाता है ऐसे, और ऊपर आपका वो लग जाएगा फैन, एग्जॉस्ट फैन। और यहाँ पे आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। अच्छा, तीनों बेडरूम के साथ अटैच जाइए बालकनी, इसमें थोड़े से बड़ी कपबोर्ड आ जाती हैं, क्योंकि भाई मास्टर बेडरूम जो है ये, तो इसमें 6 कंपार्टमेंट वाला आ जाता है। मेरे को तो ये नहीं पता लग रहा, बंदे तो उतने ही रहने हैं मास्टर बेडरूम में, इतनी कपबोर्ड देने का फायदा क्या है, बंदे तो दो ही रहेंगे। हाँ ये तो है, सब गिर जाइए मास्टर बेडरूम में, एक कपबोर्ड रजाई के लिए, बाकी आप कपड़े भर लो अपने। तो भाई कपबोर्ड बतेरी दे रखे हैं यहाँ पे, हमने अपने घर में कुछ नहीं बना रखा मास्टर बास्टर, सब गुलाम बेडरूम किसी को सरपंच चढ़ाना। ये फिर आपके सामने मीडिया वॉल आ गई, एसी की प्रोविज़न आ गई यहाँ पे, और सेम आपकी बालकनी आ गई है 46 फीट वाइड। हम बाहर नहीं जाना चाह रहे भाई, क्योंकि बाहर लू के थपेड़े लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा लू चल रही है। और बात करें हम बेडरूम के, भाई गद्दे तो बड़े गंदे लगा रखे हैं इन्होंने, दब नहीं रहे। अरे भाड़ में गया डू नॉट सीट, कैमरा तो नहीं लगा हुआ ना, नहीं है इतना इंटर मारते। तो बेड रखने के बाद आपको ठीक स्पेस मिल जाती है यहाँ पे भी। और ये आपका आ जाता है, क्या सोच के इन्होंने हैंडल नहीं लगाया इसमें कि सबके नीचे से खोलेंगे, 3 बार में एक बार खुल जाएगा। और ये आपका आ जाता है ड्रेसिंग एरिया, और ड्रेसिंग एरिया आपको सिर्फ मास्टर बेडरूम में ही मिल रहा है, अदरवाइज़ बाथरूम में जाओ आपको वहाँ पे ग्लास मिरर मिलेगा, आप वहाँ पे अपना श्रृंगार कर सकते हो। नहीं है, खुद लगा लो यार, हर चीज सैम्पल फ्लैट में थोड़ी मिलेगी। वैसे भी सैम्पल फ्लैट सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि अपना घर भर के ऐसा सा बना सकते हो। मास्टर बेडरूम में आपको ये भी मिल जाता है ड्रेसिंग एरिया,
क्योंकि गुलामों को ज़रूरत नहीं है मेकअप करने की। आई थिंक यही मेंटेलिटी है आजकल। बस यार नहीं देते ना, सिर्फ मास्टर बेडरूम में दे रहे हैं भाई, सब कुछ ही भर के सारे फीचर दे रहे हैं मास्टर बेडरूम में। बाकी हाँ ये तो है, मास्टर बेडरूम उसी का जो पैसे ज़्यादा दे रहा है, वरना गुलामों के लिए अपने फ़ोन में फ्रंट कैमरा ऑन करके मेकअप कर लो, वो ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ है। पोजेशन की बात करें तो भाई पोजेशन यहाँ पे 15 महीने के बाद मिलेगा, और मैं आपको एक ग्रंथ भी पढ़ के बताऊँगा, ऐसा सा कुछ दिखेगा यार ये बनने के बाद। S+14 है ये, Stilt+14, Stilt में गाड़ियाँ खड़ी करोगे, और जो पार्क हैं वो भी पोडियम पार्क हैं, आपकी गाड़ियाँ पार्क के नीचे भी खड़ी होंगी। लिफ्ट लगी हुई हैं, दो लिफ्ट, दो स्टेयरकेस हैं, दोनों लिफ्ट उसकी हैं, वो सर्विस लिफ्ट हैं, तो 10-10, 12-12 बंदे भर के ले जा सकती है वो आपके ऊपर। और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे, बेस्ट जो मेरे को लगा, और कुछ है नहीं है भाई साहब, इन्होंने पार्क के लिए भी लिफ्ट दे रखी है, मज़े ही मज़े। बुजुर्ग जा रहे हैं लिफ्ट में नीचे, बुजुर्ग जा रहा है लिफ्ट में ऊपर, मज़े ही मज़े। बच्चे पेल पेल के लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं, बिजली का बिल आएगा पता लगेगा। अब मैं आपको बता दूं यहाँ के अमेनिटीज़। हाँ यहाँ पे यार क्लब हाउस भी है, 13,000 square feet का क्लब हाउस है, जिसमें बहुत कुछ है, मतलब डांस के लिए अलग से कमरा, रेस्टोरेंट, हाँ कैफेटेरिया, ये वो जो जो आपने सोच रखा है कि हाँ मेरे घर के पास होना चाहिए, दुकान पे जाना ही नहीं, सब कुछ मज़े ही मज़े यहाँ पे। और सुनो, बैम्बू गार्डन है, आउटडोर लैंडस्केप है, दो पत्थर ही रख देंगे क्या पर है। हाँ और 1.5 acre का पार्क भी है यहाँ पे, गजीबो भी है, रिक्रिएशनल एरिया भी है, स्विमिंग पूल भी है। भाई कुछ लोग पूछते हैं सर स्विमिंग पूल है, नहाना चाहे 3 दिन में 1 बार हो, पर स्विमिंग पूल होना चाहिए। अरे भाई ये भाई साहब 3 दिन में 1 बार नहाता है, और कहता है कि मेरे बाथरूम में गजीबो रख दियो। मैं कहा 3 दिन पहले ही भर देगा क्या उसको, 3 दिन बाद नहाऊंगा। हाँ बैडमिंटन कोर्ट है यहाँ पे, इंडोर गेम्स हैं, जिम, योगा, डांस रूम्स, मल्टीपर्पस हॉल, सेंट्रल प्लाजा, कैफेटेरिया, ओपन एयर थिएटर, किड्स प्ले एरिया, ये सारा कुछ है यहाँ पे। डिस्टेंसेज मैं आपको बता दूँ पढ़ के, VR पंजाब यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट 18 किलोमीटर दूर है। लोग पूछते हैं जी ये कितना दूर है कितना दूर है, पहले बता दूँ मैं, मैक्स हॉस्पिटल 6 किलोमीटर दूर है, फोर्टिस हॉस्पिटल 9 किलोमीटर, क्रिकेट स्टेडियम जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना है कहाँ पे, न्यू चंडीगढ़ में, वो यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। जुडिशियल कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 5 किलोमीटर, सोहाना गुरुद्वारा यहाँ से 6 किलोमीटर है, और चंडीगढ़ मात्र 4 किलोमीटर। तो अगर आपकी जॉब चंडीगढ़ पंचकुला में तो नहीं, सॉरी चंडीगढ़ और मोहाली में, या फिर न्यू चंडीगढ़ के आसपास खरड़ वगैरह कहीं पे भी अगर आपकी जॉब है, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, आप अपना घर यहाँ पे ले सकते हो। मात्र 6,000 per square feet का यहाँ पे प्राइस है, और अगर मैं कंपेयर करूँ आसपास के इनके पड़ोसियों से, भाई 9,000 square feet का आसपास रेट चल रहा है एग्जैक्ट, अगर आप एयरपोर्ट रोड के ऊपर आप घर लेते हो तो। क्यों 3,000 रुपये क्यों नहीं बचा रहे आप, सिर्फ 500 मीटर अंदर ही तो आना है, 60 फुट की एक एंट्रेंस है, 100 फुट की एंट्रेंस की रोड और आ रही है यहाँ पे, उसकी कंफर्मेशन नहीं है, पर ये कह रहे हैं कि भाई 2 हफ्ते तक कंफर्मेशन मिल जाएगी, तो भाई कंफर्म है, नहीं मिलेगी तो मैं नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा भाई नहीं आ रही। और यहाँ पे क्या है, और भाई यहाँ पे बढ़िया वो है, प्राइसिंग प्लान भी सही है, कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान भी है, और अगर आपको करना है कि नहीं जी मेरे को तो एक ही बार पैसे देने हैं, आपके पास हैं बहुत पैसे, तो भाई मेरे को गूगल पे कर दो, मैं भी कुछ कर लूँगा घर में। बट हाँ यार सब कुछ है, प्लान आपके हिसाब से सब कुछ कर देंगे आपके लिए। तो जो भी आपकी और अगर कोई क्वेरी है तो हमारे ऊपर नंबर दिया हुआ है 9988089910, आप उस पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हो, और कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सएप का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हो। और भाई
चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हमारी तो वीडियो भाई दो दो महीने बाद आ रही हैं, तो मैं कोई स्पैम भी नहीं भेज रहे हम कि हाँ जी हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ भेज रहे हैं और परेशान हो रहे हो। इतनी ढूंढ के लेकर 2 महीने में मिली है मेरे को ये फ्लैट ना मिलता, मैं 2 महीने बाद भी नहीं आना था। तो ये देखो मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। ये तो एसी चल रहा है इसलिए पसीना नहीं आ रहा, अदरवाइज पसीना बहुत आ रहा भाई। मेरा खुद का रंग 2 शेड काला हो गया। और अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो यार पूछ सकते हो। बाकी क्या रह गया बताने को, बाकी धन्यवाद।